हमें करंट मार्केट प्राइस पे विकास लाइफ केयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या फ्यूचर होने वाला है इस स्टॉक का, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के अंदर क्या टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्या ये स्टॉक फ्यूचर के अंदर एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है, डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी बात करने वाले हैं। अगर अभी हम आपसे इस स्टॉक के ट्रेंड के ऊपर बात करें, अभी हमें इस स्टॉक के अंदर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 50 डे एवरेज वॉल्यूम में 1,88,00,000 लेकर आप यहां पे देख सकते हैं, वो हमें काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अगर अभी हम आपसे इस स्टॉक की रिटर्न प्रोफाइल के ऊपर डिस्कशन करें, 1 मंथ के अंदर 1.61% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने दे दिए, 1 ईयर के अंदर 42% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने दे दिए, और 5 ईयर के अंदर 28% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने दिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 438 करोड़ का। नंबर ऑफ फंड जिन्होंने इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करा वो 5 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2022 में इनकी सेल्स थी 100 करोड़ की, वो इंक्रीज होकर 118 करोड़ की हो गई थी मार्च 2023 के अंदर। 15% की ग्रोथ हमें सेल्स के अंदर देखने को मिली थी। अगर अभी हम आपसे इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग है 11.4% की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट 0 है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर है 83% के आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेजर स्टेक होल्डर है विकास गर, इनके ऊपर अभी सेबी का केस भी चल रहा है, उसको भी आप एक बार कंसिडर करिए अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो टोटल शेयर कैपिटल था मार्च 2022 के अंदर 109 करोड़ को, वो इंक्रीज होकर 143 करोड़ का हो गया था। कंपनी के पास रिजर्व्स थे 2022 में 88 करोड़ के, वो इंक्रीज होकर 186 करोड़ के हो गए थे। कंपनी के पास डेट था 6 करोड़ का, वो इंक्रीज होकर 15 करोड़ का हो गया था। अगर सर आप इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, करंट मार्केट प्राइस पे आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपने इस स्टॉक के अंदर नीचे की प्राइस पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अभी आपको इस स्टॉक के अंदर होल्ड करके चलना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे अभी स्टॉक है, इस लेवल पे यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन जोन हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला था। अगर इस स्टॉक ने अपसाइड के अंदर 3.45 की प्राइस को ब्रेकआउट कर दिया स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ 5.20 के शॉर्ट टर्म के अंदर फर्स्ट टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर इस स्टॉक ने डाउन साइड के अंदर 2.60 की प्राइस को ब्रेकआउट कर दिया, ये स्टॉक वीक हो जाएगा। जो भी हमने आपके साथ शेयर करा इज ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज।